इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। हालात के हाजरा में जो है आवाम को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मोदी साहब जो है बीजेपी की हुकूमत 7 साल से हर कदम कदम पे इस कौम को घबराहट में लाने और इनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं रहा, अपने हर वादों में फेल हुए, खाने के खाने के मोहताज हो गए लोग, हर चीज़ से मोहताज। गैस 1000 हुआ, पेट्रोल 120 हुआ, दाल दाने चावल। अच्छे दिन आएंगे, बहुत अच्छे दिन लाया बख्तावर मेरे बाबा, तुझे पुराने दिन हम ना दे डाल रहे, बस तेरे अच्छे दिन तुझ रख लेकर आवाम बोलने का वक्त हिंदुस्तान के अंदर आ गया। तो अब जो है कर्नाटक में भी जो है जब तीन चीफ मिनिस्टर हो गए, अब इन्हें भी जाता और दूसरा आता, ये मजहब का कार्ड खेला जा रहा है। मजहब का कार्ड जो है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कन्वर्शन कर रहे कन्वर्शन, अरे कौन कन्वर्शन कर रहे, कौन ला रहा कौन जा रहा क्या। अभी एक जो है दलित बौद्ध हुआ, दलित क्रिश्चियन हुआ, अगर दलित ने कोशिश दूसरे उसकी मर्जी हो, डीसी के पास जाकर अर्जी देना, डीसी को ना धर्माधिकारी क्या उसका परमिशन लेते, मैं धर्म चेंज करना करने में क्या माना क्या है। बाबा साहब अम्बेडकर डीसी का परमिशन लिए थे कहते। तो ये जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट है, और ये स्टेट सब्जेक्ट ही नहीं है, ये स्टेट के अंदर ऐसा कोई एक्ट में पास भी नहीं कर सकते और कानून की निगाह में उसे कोई इज्जत भी नहीं रहती। अब गो हत्या का इन्हें पास करे, फायदा क्या हुआ, पूरा जानवर गोवा जा रहा, वहाँ कट रहा, और इन्हें यहाँ इनकी अम्मा, वहाँ उनकी खाला, मिजोरम में इनकी चाची, वहाँ काट सकते यहाँ नहीं काट सकते, क्या बेवकूफ मेरे बड़ा है ये। अब इन्हें गो नहीं खाना के पूरे बस स्टैंड में छिटे कर फिर रहे पापों को, गौशाले में लग जा को जो है ना खाना ना पानी ना चारा, वो कोड़ दाल को जो है उनको वहाँ हजारों के जानवर गुरुआ मर रहे, रैया तंग कंगाल हो रहे। हमना क्या भी फर्क नहीं पड़ता, भैंस खाओ आओ ठीक है, भैंस खाओ भैंस खाने तैयार है, रोजा रहो रोजा खाने तैयार। ये कौम जो है 1400 साल से करबला देखी से कौम, ये नमरूद को देखी से कौम, ये फिरौन को देखी से कौम, ये हमना ऐसे नमरूदा बल्ला के गए हमना, ये वाड़की हो गया है। तो इसके वास्ते कौम कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के रस्सी को मजबूती से पकड़ो। नहीं डेली फसाद भी हो, त्रिपुरा फसाद के बाद जीत तो दर्ज हुई ना, बिल्कुल हो रहा है। अभी इनका जुल्म चलता है, जुल्म टिकने का नहीं, पूरे आलम के अंदर जुल्म चलने को है, इसका एक अंतिम वक्त आता है इंशाल्लाह। हमें मुतहद होकर मुसलमानों के लिए सियासी क्या एक ऑप्शन, जैसा कि सियासी ऑप्शन जो है इत्तेफाक से रहना, 90% वोटिंग करना। नहीं वो किस पार्टी को करना है, वो है जो अब जो है फिलहाल जो है पूरे लोग सोच रहे उसमें, अब कांग्रेस पार्टी देखेंगे कि इस तरह से जो है आगे इकदाम बढ़ाती करने का, उसके बाद जनता दल किस तरह इकदाम बढ़ाती करने का, वो भी जो है आवाम देख रहे हैं इंशाल्लाह। MLC इलेक्शन में तो जनता दल सिकुड़ को एक रही, कांग्रेस का परफॉर्मेंस फिर भी ठीक रहा, बिल्कुल अच्छा रहा कांग्रेस का परफॉर्मेंस, उसकी बहुत सारे वजूहत भी है। बीजेपी भी जो है ली, लेकिन यहाँ बलगाम के अंदर जो है बीजेपी हारी जी, और वो बहुत बड़ा धक्का हुआ बीजेपी को। इससे कोई जो है आम आवाम का इलेक्शन वो इम्पोर्टेंट है, ये 50,000 लाख 1.5 लाख देते हैं कि वोटर को, ग्राम पंचायती के मेंबर जो ज्यादा दिया उन्हें उसकी झोली में पड़ा, ये जो चुन लग जाने का पैसे दे झोली में डाल ले पैसे दे, वो इलेक्शन है MLC इलेक्शन है। इसके इसका जो होता कोई ज्यादा असर नहीं होता, एक दो दिन अखबार में आएगा वो, तीसरे दिन कांग्रेस भी तो आपसे इख्तलाफात का शिकार है। अगर बेलगाम की बात की जाए तो जरकीवाड़ी और लक्ष्मी हेबाड़कर वगैरह, भले अभी वो बज़ाहिर हमें कुछ समीकरण ठीक ठाक नजर आ रहा हो, लेकिन अंदरूनी कहीं तो भी है चिंगारियां हर पार्टी में है। आप जो इसके बारे में अपने जनवरी
15 के बाद जो है तफसील से बोलता हूँ मैं, हालात कैसे हैं, क्या है कि नहीं, किस तरह से जाना, क्या होना करने का। इंशाल्लाह जनवरी 15 को जो है एक सीधा पिक्चर जो है आवाम के सामने आता है। नहीं, कम्युनल कार्ड जिस तरह से खेला जा रहा है, कहीं तो भी कामयाबी तो उनको नजर आ रही है। पोलराइजेशन हो रहा है, हिंदू कम्युनिटी एक तरफ होती नजर आ रही है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, अदालत पर भरोसा करना, इंतजामिया पे भरोसा करना, कई सारे मसाइल हैं। तो उस जनता पोलराइजेशन कर रहे हैं वो हुआ नहीं जी, और हमें जो है अकलमंदी के साथ वो पोलराइज होने नहीं देना जी, हमारे में होश रख लेना पहले, जोश दिखाने जाना नहीं, होश दिखाने का जमाना कहाँ। ये तो कम्युनिटी डरी हुई है सर अभी, बिल्कुल नहीं, तुम्हें बोलना डरी हुई कर, वो कौन भी नहीं डरा, हिम्मत आने दो, कैसा रोडा के ऊपर आदि करने का देखो तुम्हें, एनआरसी में डरना था, एनआरसी में डरना था, क्या हुआ आज तक उसे लागू नहीं कर सके, बिल पास करके 2 साल, 3 किसान ने काले कानून वापिस लिए, तो 750 किसानों की कुर्बानी भी रही नहीं, तो हमारे कम्युनिटी में कहाँ कुर्बानी का जज्बा है। नहीं, हमारे कम्युनिटी खुदबानी का जज्बा पैदा करना वो बोल रहे हैं, वो पैदा करो, मुतहद हो, इत्तेफाक करो, तुम्हारा रिजल्ट जो है फौरन मिलता है। लेकिन अभी तक हमारे मसले के इख्तलाफ आतिश खत्म होने को तैयार नहीं, लाइक नहीं, 80% तक खत्म नहीं, 80% तक खत्म नहीं। वो मोदी का शुक्रिया अदा करना हमने, उसकी वजह से जो है पूरे मुसलमान एक हो गए, गुलपोशी करना उसकी हमें, अमित शाह की, मोदी की, बड़ा अच्छा काम करा, बात तो देश का तो नहीं करा, तो भी मुसलमान के अंदर जो है निडर बनाया और पूरे मसले के वालों को एक जगह जमाया, जो 70 साल में हमें नहीं कर सकते थे तो 1 साल में करके दिखाया। सर, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, एमआईएम, मुस्लिम लीग, ये कांग्रेस, कई सारी पार्टियों में मुस्लिम नुमाइंदे मुसलमानों के एरिया में ही खड़े हो जाते हैं, तकसीम हो जाती है वोटों की, तो इसके लिए क्या हल हो सकता है? अकलमंदी से अवाम को चाहिए कि भाई किस तरह से नुमाइंदा पहुंचे असेंबली में, कॉरपोरेशन में, पार्लियामेंट में, ये सोच जो है अवाम को देखना चाहिए कि भाई ताकतवर कौन है, अच्छा कौन है, क्योंकि वोट देने का मान गवाही देने का जी, गवाही झूठी होगी तो अल्लाह के सामने भी तुम्हें जिम्मेदार होते हैं जी, तो ये जो है सिर्फ वोट देना क्या कि जाको बटन दबा कहेंगे, नहीं नहीं, तुम्हें गवाही दे रहे हैं, अच्छा आदमी है, उसका साथ दे रहे हैं, अगर बुरे आदमी का तुम्हें साथ दिए, अल्लाह के सामने तुम्हें हिसाब किताब जवाब देना पड़ता जी, जो सेक्युलर के नाम पर पार्टियां खड़ी हैं, सेक्युलर भी रहना होने, क्लीन भी रहना। नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ कि उसे यहाँ तो वोट लेकर जीत जाते हैं किसी आइडियोलॉजी, किसी विचारधारा के तहत, और पार्टी फिर बदल देते हैं, क्योंकि कई सारे देखा, रमेश जारकीवाली भी उसी का एक मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है, जेडीएस हो कांग्रेस के, अब बीजेपी अगर मजबूत बनी है तो जेडीएस और कांग्रेस के ही लीडर यहाँ से वहाँ चले गए हैं, तो ये इस पर कैसे भरोसा किया जाए किसी पार्टी की विचारधारा से कोई जुड़ा, क्योंकि गोडसेवादी कब कांग्रेस, महात्मा गांधी की विचारधारा वाला कब गोडसेवादी बनता है मालूम नहीं पड़ता। ये आखिर जमाने के सबसे बड़े आसारा है जी, कोई परमानेंट दुकान लेके बिल्डिंग में बाजार नहीं कर रहा, हर आदमी बाजारों में व्यापार कर रहा है, हफ्ते का ये बाजार, इतवार का वो बाजार, पीर का वो बाजार, तो ग्राहक ऐसा जगह थैरा लेके ढूंढ लेके जा रहा है, पहले माल ऐसी जगह ग्राहक आता था, अब ग्राहक ऐसी जगह वो जो है व्यापारी जा रहा हो, तो उसके वास्ते हमें भी जो है जरा होशियार के साथ जो है सोच को हमें भी फैसला करे तो अच्छा होता। ज्यादा वक्त गुजर गया ऐसा नहीं लगता, सियासी बेदारी आने में तो आते रहता, वक्त जो है मेरा खत्म होगा, तुम्हारा खत्म होगा, लेकिन आवाम भी आते रहेंगी, वक्त भी आते रहेगा, नए पैदा होते रहेंगे, पुराना जाता रहेगा, नया आता रहेगा। नौजवान आयाश परस्त, मादा परस्त, नशे की तरफ बढ़ते नजर आए, उस पर एक पैगाम दीजिए। सबसे बड़ा यही है, खाऊ बर्बाद होने की सबसे बड़ी वो वजह वो है, अल्लाह के रस्सी को मजबूती से पकड़ो, ये चीजों से छोड़ो, अल्लाह के सामने झुको, तुम्हें दुनिया तुम्हारे सामने झुकती, तुम्हें अल्लाह के सामने नहीं झुकेंगे तो सारी दुनिया के सामने झुकना पड़ेगा, हकीकत इसमें यही है। इसलिए मुझे आज हमारे इदारे जो है, मसाजी जो है, जुमा का खुतबा है,
वो खुतबे के अंदर तुम्हें जो है उलमाए कराम कौम को मैसेज देना कि चीज़ा से बाद आओ, सोशल संगठन बनाओ, तंजीमें बनाओ, जो नौजवान इस ये नशे में भड़के हैं उनको लाओ, जो एडिक्ट हुए हैं उनको डी एडिक्ट कराओ, उनको एक सही रास्ता तुम्हें दिखाओ। डेफिनेटली वो सबसे बड़ी जद्दोजहद, वो सबसे बड़ा जिहाद जी। आपको लेकर भी कई बार अफवाहें गश्त करती रहती हैं पार्टी को लेकर, किसी दूसरी पार्टी MIM JDS। नहीं 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 MIM का वो सवाल कभी हमें सोचे भी नहीं, क्या भी नहीं, वो होने का नहीं जाने का नहीं है। सिर्फ 4 आने को तो मैं एक करने गए, 12 आने एक होती, वो ऐसे सबसे बड़ा हिसाब है। तो ये है, अच्छा है, मेरा बेटा अच्छा है, मेरी बेटी खूबसूरत है, हर बच्चा अपनी माँ को जो है खूबसूरत लगता, दूसरे को देखने खराब लगेगा उन्हें। तुम्हें तुम्हारे बच्चे तुम्हारे डेली में तुम्हारे घर में तुम्हें संभाल लो, बाहर जो है अच्छा है बोल के छोड़े तो मुश्किल होता हो। वैसे आपका मैं रहता सवाल है, तुम्हें हैदराबाद में 50 साल से 7 से 8 नहीं हुए, वहाँ तुम्हें बनाओ, ये गली में भल्ला के हैं, ये गली का दूसरा गली का है भोगता छे, तो तुम्हारी गली तुम्हें देख लो, हमारी गली हमें देख लेते, तुम्हें की गल्ला गल्ला फिर रही, ये शेरवानी डाल ले को तुम्हारे हाथ से होता क्या। अब तुम्हें एक सीट जीते औरंगाबाद, हुआ क्या, 4 सीट जीते हुआ क्या, तुम्हारे गांव के अंदर तुम्हें जो है मजबूत हो नंबर वन। नंबर दो, ये कौम से दूसरे कौमों से जुदा मत करो। खुदा एक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है। हमें यहाँ मिलकर जीना पड़ता, हमें यहीं 4 आने का हिस्सा, तुम्हें 12 आने के खिलाफ डाल ले तो 4 आने में क्या आ सकते तुम्हें। नहीं, कांग्रेस की कमजोर पॉलिसियां कहीं MIM की तरफ रुझान जो बड़ा तो नहीं रही, वो भी है, वो भी है। कांग्रेस इसलिए वो कांग्रेस पार्टी को बोलते रहते हैं तुम्हें सुधरो, सुधरने का चांस है कि नहीं लग रहा है, देखेंगे क्या होता है इंशाल्लाह। क्योंकि कांग्रेस तो कमजोर विपक्ष, ये लोकतंत्र के लिए भी खतरे की घंटी है कि विपक्ष कमजोर है, सत्ताधारी मनमानी फैसले ले रहे हैं, सिवाय मोदी के बीजेपी भी कमजोर है, सिर्फ मोदी एक स्ट्रांग है। अब उसे बीजेपी को बैठ कर तो बिठा रहा, उठा कर तो उठा रहा, हम खरीब जो है तुम्हें देखते जाओ हालात मुल्क के 2022-2023 में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। अच्छा, बेहतर होंगे क्या खराब होंगे? बेहतर होते हैं। अच्छा, लेकिन राम मंदिर है, फिर मथुरा काशी है, अब तो श्रीरंगपट्टन का कर्नाटक का भी उठाया जा रहा है, सब उठा रहे, जत्ता भी लोग बमड़ा मारे ना खामोश रहो, उनकी आवाज में तुम्हें आवाज मिल लेते डबल आने का आवाज, उसे दरगुजर करो तुम्हें, हत्ती गए बाजार कुत्ते भूखे हजार, ये समझ में खामोश रहो, होश नहीं। मुस्लिम नौजवानों को आखिरी पैगाम, आखिर पैगाम अल्लाह के राह में चलो, बड़ों बुजुर्गों की इज्जत करो, माँ बाप का फरमान करो, नमाज को मजबूती से पकड़ो, जो पूछना है अल्लाह से पूछा, दरवाजे खोलते इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।